क्या कहा है कपिल देव ने धोनी की एंट्री के ऊपर, और शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जो वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान की उसके ऊपर, और क्या चल रहा है IPL में, किस तरीके का सिनेरियो है क्वारंटाइन को लेकर इंडियन प्लेयर्स के, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में फटाफट से। वीडियो के साथ बंद जाओ, वीडियो को लाइक पहले ही कर दो ताकि आप भूलो ना बाद में। और पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब दिया है रेक्स टेक ने अगेन, तो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस सही जवाब देने के लिए। और इस वीडियो का जो सवाल है वो भी मैं आप लोगों से फटाफट से पूछ लेता हूँ। रविंद्र जडेजा ने अपना डेब्यू कौन सी टीम के खिलाफ किया था, रविंद्र जडेजा ने, सही जवाब आपको फटाफट से कमेंट करना है, और जिसका भी जवाब सही हुआ और सबसे पहले हुआ उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक पहले करना है आपको, फिर आपको कमेंट करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। तो वे पहली स्टोरी निकल कर आ रही शोएब अख्तर की तरफ। शोएब अख्तर बेसिकली टीम सिलेक्शन से नाराज़ हैं, जो स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ है पाकिस्तान का टीम यू नो आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए वो नाराज़ दिखे सेलेक्टर से, और उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स थे जो वो इंक्लूड करना चाहते थे, बेसिकली फ़कर जमान और फ़हीम अशरफ को वो इंक्लूड करना चाहते थे। उन्होंने अपनी एक टीम बताई जिसको वो सेलेक्ट करना चाहते थे अगर वो एक सेलेक्टर होते। कौन से वो प्लेयर्स हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, उस वो इंक्लूड करा है उन्होंने बाबर आजम को, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद रिजवान, शोएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हसन अली, शाहनवाज धानी, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, फ़कर जमान एंड हुसैन तलत। तो ये प्लेयर्स हैं जिनको शोएब अख्तर अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं। एट द सेम टाइम ये भी खबर आई कि वसीम खान जो सेलेक्टर है उन्होंने ये भी बोला कि बाबर आजम जो है वो टीम के साथ बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि बाबर आजम कैप्टन है ऑफ कोर्स आने वाले वर्ल्ड कप में, और अभी भी करंटली वो कैप्टन ही है। तो उन्होंने कहा बाबर आजम को इस टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम फिलहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी खुशी ज़्यादा देखते हैं, करंट कैप्टन की ज़्यादा खुशी देखते हैं, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वसीम खान ने बाकायदा अपनी स्टेटमेंट दी। अगली स्टोरी, सुनील गावस्कर ने कहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी तारीफ करते हुए, उन्होंने कहा कि हमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कि जो उदारता है कि का जो एहसान है वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 2008 में जब एक सीरीज़ हुई थी जिसमें इंग्लैंड इंडिया आई थी, तो 2008 में उस टाइम पे अटैक्स भी हुए थे, जो मुंबई अटैक्स आप लोगों को पता होंगे, जिसके चलते इंग्लैंड वापस चली गई थी और उन्होंने सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करी थी, लेकिन वो वापस आए थे, केविन पीटरसन उस टाइम कैप्टन थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ टाइम बाद जो बचा हुआ टेस्ट मैच था वो अलाउ किया था, और वो टेस्ट मैच हुआ था, और बाकायदा इंडिया वो वाला टेस्ट मैच जीत गई थी, उसमें 380 के करीब का टारगेट था जो इंडिया ने चेस कर लिया था। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स जो इंडिया ने चेस करे, और सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में ये सबसे बड़े टारगेट्स पे फेंक है जो इंडिया ने चेस करे। तो उन्होंने कहा कि ECB का हमें ये ऐसा नहीं भूलना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर पाँचवा टेस्ट मैच जो फिलहाल इस सीरीज़ का रह रहा है, अगर इंडिया को बाद में जाना पड़ता है उसे पूरा करना पड़ता है, जो कि इंडिया वैसे 2022 में तो जाएगी ही, और फिलहाल जो म्यूचुअल डिसीजन हुआ है ECB और BCCI का वो यही हुआ है कि 2022 यानी आने वाले साल में जुलाई में एक सीरीज़ होगी जिसमें ODI मैचेस और T20 की सीरीज़ है, अगेन इंडिया को इंग्लैंड जाना पड़ेगा फिर से, तो वो पांचवा टेस्ट मैच भी जो है वहीं पे होगा। देखते हैं बाकी चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। अगली स्टोरी बहुत बड़ी, जिसमें कपिल देव ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ, अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है एज अ मेंटोर टीम इंडिया के लिए काम करेंगे, टीम इंडिया में आए आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी प्लेयर को रिटायरमेंट के एटलीस्ट 3 से 4 साल बाद ही टीम के साथ रीयूनाइट होना चाहिए किसी भी पर्पज़ से। इतना जल्दी महेंद्र सिंह धोनी का आना कुछ खास सही बात नहीं है। अगली स्टोरी, विराट कोहली ने बेसिकली रिक्वेस्ट करी थी ECB को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, कि पांचवा टेस्ट मैच जो है वो थोड़े डिले के साथ शुरू कर दिया जाए, लेकिन ECB ने उनकी बात को नहीं मानी, और अगेन ECB और BCCI इसी म्यूचुअल डिसीजन पहुंचे कि अगला टेस्ट मैच जो है वो अगले साल 2022 में जुलाई के महीने में होगा। अगली स्टोरी, BCCI ने सारे प्लेयर जो भी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं UAE IPL खेलने के लिए, उन सबको 6 दिन के क्वारंटाइन में रखने का मतलब उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो 6 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे, उसके बाद ही वो IPL के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। अगली स्टोरी, इंजमामुल हक ने इंडियन टीम के बारे में कहा है, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की कि इंडिया बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड में, और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि रवि शास्त्री जो कोच हैं प्लस उनके जो बैटिंग और बॉलिंग कोच थे फिजियो हैं वो सारे के सारे कोविड के टच में आ गए, क्वारंटाइन हो गए, उसके बावजूद भी इंडिया काफ़ी अच्छे से खेली है 4th टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि 5th टेस्ट मैच के कंटिन्यू ना होने का एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि इंडिया के जो फिजियो हैं
जो उनके बायो बबल में थे, अगर वो ही कोविड से संक्रमित हो गए हैं, तो क्योंकि इंजरीज भी होती हैं और जिनको हो चुकी हैं उनका ट्रीटमेंट भी होता है, उनको देखना भी होता है, तो वो सारा फिजियो का ही काम होता है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो इंडियन टीम कैसे कंटिन्यू करेगी, ये तो एक रीज़न है ही। एट द सेम टाइम ये भी रीज़न है कि इंडिया में जो उनका सारा सपोर्ट स्टाफ था वो सारा कोविड संक्रमित हो गया है। तो अब क्या है कि अगर अगर इंडियन क्रिकेट टीम वापस से अपने उसी स्टाफ के कॉन्टैक्ट में आती है तो उनको एक डर ये भी रहता है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी कोविड हो सकता है, अगर इंडियन प्लेयर्स में किसी को हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पांचवा टेस्ट मैच डिसकंटिन्यू किया गया। आई डोंट नो क्यों कई लोग इस बात के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया ने बैकआउट किया। तो भाई अगर बैकआउट किया भी है तो वो उसमें एक समझदारी दिख रही है। अगली स्टोरी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, ICC को गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कुछ ही टाइम में, क्योंकि हम अलाउ करेंगे वुमेन क्रिकेट टीम को खिलाना और हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर करेंगे। जैसे कि तालिबान ने कहा था कि हम अलाउ नहीं करेंगे वुमेन क्रिकेट को, क्योंकि उसमें क्रिकेट में फेस दिखाना पड़ता है और बॉडी के कुछ पार्ट दिखाने पड़ते हैं वुमेन को, और वो इस्लाम में अलाउड नहीं है। लेकिन ACB ने कुछ अलग ही बात बोली है कि हम कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे और वुमेन क्रिकेट दोबारा से कंटिन्यू होगा। अगली स्टोरी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली 17 तारीख से, उसको सुपर लीग का टाइटल नहीं मिला है, वो सुपर लीग नहीं कहलाएगी। सुपर लीग आप लोगों को पता होगा, सुपर लीग बेसिकली ICC ने वहाँ से टाइटल हटा लिया। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि DRS जो है पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाया इस सीरीज़ के लिए, और ICC ने ये चीज़ मैंडेटरी कर रखी है, कंपलसरी कर रखी है कि जो भी सीरीज़ होंगी, जो भी मैचेस होंगे ICC के अंडर, ICC रिकॉग्नाइज्ड, उन सब में DRS की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने जिनके साथ कॉन्टैक्ट किया था वो वहाँ पे सर्विस नहीं दे पाए, वो चाहते नहीं थे देना पाकिस्तान की ज़मीन पे सर्विस। एट द सेम टाइम BCCI ने जो बचा हुआ जो वो ऑपरेटर थे उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे कर रही थी BCCI, इसलिए अब वो IPL में सर्विस देंगे। मैं आपको बता दूँ कि ICC सर्टिफाई करती है, सर्टिफाई कर रखे हैं ICC ने कुछ ऑपरेटर्स जो DRS की सर्विस दे सकते हैं एक मैच में। तो गिने चुने होने की वजह से कुछ ऑलरेडी कहीं सीरीज में बिजी हैं, एट द सेम टाइम एक जो है BCCI में IPL को कवर करने के लिए आएंगे, और जो इक्के दुक्के बचे होंगे उनको पाकिस्तान ने अप्रोच किया, बट इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, इतने शॉर्ट गिवन नोटिस में कोई भी पाकिस्तान को DRS की सर्विस नहीं दे पा रहा, इसलिए ये सीरीज अब नॉर्मल सीरीज होगी, ये सुपर लीग के पॉइंट्स में काउंट नहीं होगी। अगली स्टोरी, फारूक इंजीनियर ने कहा है कि हमें रवि शास्त्री और विराट कोहली को कोई दोष नहीं देना चाहिए बुक लॉन्च इवेंट में जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बुक लॉन्च इवेंट जो था वो होटल में ही था जिसमें इंडियन टीम ठहरी हुई थी, और एट द सेम टाइम कोई भी बाहर का बंदा अंदर नहीं आया था, ना अंदर का बंदा बाहर गया था। अब ये भाई हमें तो नहीं पता, क्योंकि वैसे अगर जनरली देखा जाए तो जो भी होटल होता है वो बायो बबल के अंदर ही होता है, मतलब कि जो भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, ताकि कोई भी बाहर का इंसान जो पॉजिटिव है वो अंदर ना आ सके, या कोई आता भी है तो बायो बबल के अंदर का ही बंदा होता है, चाहे वो कोई मैनेजमेंट का बंदा हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कुछ भी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल हम ब्लेम नहीं कर सकते रवि शास्त्री और विराट कोहली को, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है कि बाहर से कुछ लोग आए हैं जो उस पार्टी में मौजूद थे लॉन्च के टाइम में, तो फिर ये मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करता है। इसके लिए प्लेयर्स को तो भाई दोष नहीं ही दे सकते हम, ना हम कोच रवि शास्त्री को दे सकते, ये बिल्कुल सही बात है। अगली स्टोरी, डैनी वायट इंग्लैंड क्रिकेट टीम में वापसी करेंगी जो ODI सीरीज शुरू होने वाली है 16 तारीख से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। तो गाइस ये थी मेन न्यूज़ आज की, पूरे दिन की क्रिकेट से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, शेयर आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से जिनको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।